गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हमारा सपना पूरा हो जाए, और वो सपना भी आज पूरा हो गया। हम लोग इतना अच्छा से इंस्टीट्यूट मिला, इतना हम लोग के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल रहा है। हमारे टीचर्स लोग जो हिडन टैलेंट हम लोग में है, ये हुनरबाज बोल के एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया, हिडन टैलेंट शो कंडक्ट किया। हम लोग उसमें एक्टिवेटली पार्टिसिपेट किया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हम लोग को। जो हिडन टैलेंट है वो हम लोग ना कभी कभी बाहर पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग का आज वैसे हो गया। हम कुछ भी ना, हमको हम लोग के अंदर कुछ भी टैलेंट है, डांस हो, एक्टिंग हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, वो हम लोग को बाहर निकालने के लिए और बाहर दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू सो मच टू द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल फैकल्टी एंड टीम, डीन मैडम, एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक टू विपुल सर एंड मुनमुन मैडम। थैंक यू सो मच। माय नेम इज पांडुरंग वासुदेव नायडू एंड आई एम बिलोंग्स टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेकेपुर एंड आई एम द सन ऑफ पांडुरंग गुरुनायडु। एक्चुअली जो प्रोग्राम होता हूँ हुनर बस, ये आमर आयोजित करा जाउची आम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा। आउ आ धीरे आमर हुनर बस आम या ना देचु, कहीं इटे समस्ते हुनर को रिप्रेजेंट कर कौन हुनर अच्छी एक्टिविटी जमी सिंगिंग होगा, डांस, एक्टिंग, कॉमेडी, आउ फैशन शो भी आम रखीचु। आउ मु बहुत लकी कि मुझे कॉलेज स्टूडेंट आ मुझे सब जिनस पार्टिसिपेट कर जो फैसिलिटी फैकल्टीज अच्छा समस्त को थैंक यू कहकर चाहिए। से आमको ये बहुत सपोर्ट करमको ये मंच दे चाहते कि आम आम टैलेंट को शो कर पार। ये त्यौहार का समय है, नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य लोगों से खुशियाँ बांटना, और इसी मूल मंत्र को लेकर आज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हुनरबाज के एक सफल प्रयास को लेकर आया है, जिसमें कि हमारे MBA, MCA प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने अपने प्रतिभाओं को का प्रदर्शन किया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उड़ीसा के प्रख्यात अभिनेता एवं निदेशक डॉक्टर हरिहर महापात्र थे। हमारे बच्चे उनसे मिलकर काफ़ी आंदोलित हैं, उत्साहित हैं, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। चूँकि हमारे जो संस्थापक निदेशक स्वर्गीय जजाति बाबू का सपना था कि पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ अगर सांस्कृतिक इनपुट नहीं दिया जाए तो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, उसी को मूल उद्देश्य में रखते हुए हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आएंगे। आशा ही नहीं विश्वास है आज हमारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।